रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने साइड बनाई थी जिसमें हमने थीम्स को इंस्टॉल किया था और उसके बाद हम लोगों ने हमारी पोस्ट को देखा। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी साइड बनी इसके हम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन क्या होती है कि जो हमारे पास कस्टमाइजेशन में दो टाइप की है हमारे पास, एक तो कोड के तरीके से हम चीजों को चेंज करते हैं, दूसरा यूजर इंटरफेस जो हमारे पास बाहर सामने जो चीजें नजर आ रही होती तो उसको हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं उस साइट के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग कस्टमाइजेशन। उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं। ये हमारी साइट आ गई। अब इसके अंदर अब मैं अगर अगेन से विजिट करूं तो कस्टमाइजेशन के बहुत सारी जगह से जाकर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है कस्टमाइज का। दूसरा, आप अपीयरेंस में जाएंगे और थीम पर जैसे पहुंचेंगे जो भी एक्टिवेट थीम होती है उसके ऊपर हमारी कस्टमाइजेशन का बटन आया हुआ है। तो हम कस्टमाइजेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइजेशन डिपेंड करती है थीम पर। जैसे अभी ये GoPro कह रहा है, इसका मतलब कि बहुत सारा इसका फीचर जो है ना वो प्रोफेशनल वर्जन में होंगे। कुछ फीचर्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसने दिए हुए फिलहाल वो इस्तेमाल करके यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये हर थीम में ही ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, हर थीम के लिहाज से डिफरेंट आएंगे। हम फिर थीम चेंज करके भी देख लेंगे उधर कैसे कैसे हमारे पास आते हैं। ओके, इसके बाद जिस तरीके से हमारे पास ये साइड पर देखें तो वैसे हमें यहाँ से भी पता लग जाएगा क्या क्या चीजें कस्टमाइज हो सकती हैं। जहां जहाँ पेंसिल बना हुआ है जी एडिटेबल है, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये मौजूद है हमारे पास। तो ये मेन्यू हमारा एक ही मेन्यू बना हुआ फिलहाल, और मेन्यू बना होता तो हम नया मेन्यू भी लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इसी तरीके से हेडर इमेज, ये इमेज जो मौजूद है यहाँ पर कोई और इमेज लगाने लायक मैं क्लिक कर देता इस पर, ये इमेज लग जाएगी हमारे पास। आपने रिमूव करना है तो मुकम्मल तौर पर रिमूव भी हो सकती है। मैं कहता हूँ दोबारा यही इमेज लग जाए हमारे पास। हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर हाइड हो गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और जाते हैं तो ये बैकग्राउंड इमेज, ये जो पूरी साइट है इसके पूरे साइट में फिलहाल वाइट बैकग्राउंड चल रहा है, तो कोई इमेज उठाकर लगाना चाहो ना तो वो इमेज भी उठाकर लगा सकते हो। लाइक मैं क्लिक किया और ये चूज इमेज मैंने लगा दी, और ये इमेज चूज की तो ये यहाँ पर ये देखिएगा ये बैकग्राउंड पर ये इमेज आई हुई है। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ, सही नहीं नजर आ रहा। जितना सिंपल हमारा बैकग्राउंड रहेगा ना उतनी ज्यादा साइट सही नजर आएगी। ये मेन्यू है हमारा, तो यहाँ से हम मेन्यू को अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये मेन्यू बना हुआ है, इसमें कुछ मेन्यू लगे हुए हैं, आप कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पर वो कैटेगरीज वगैरह सारी शो हो जाएगी, मतलब कुछ कैटेगरी आप लगाना भूल गए लेकिन मौजूद थी तो उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो वो जैसे ऐड करेंगे वो साथ आपके मेन्यू पे शो हो जाएंगे। इसी तरह विजेट्स, ये हैं विजेट्स, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो आपके साइट पर शो कर रहे होते हैं हम विजेट्स कहते हैं। ये साइड बार पर ही मौजूद है, ये सर्च का ऑप्शन ये यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी साइट पर सर्च करके देते हैं ऑटोमेटिकली, हमें जरूरत नहीं पड़ती इसके कि हम कोड छोड़ कर रखना है तो ठीक है वरना रिमूव करते हैं। रीसेंट पोस्ट के भी विजेट्स मौजूद है, जितने भी आप पोस्ट रीसेंट करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पर आई होगी, आपने वो रखनी है ठीक है, और कितनी रखनी है मैं लाइक में कहता हूँ दो रखनी है, उसे दो पोस्ट की डिटेल देगा, 10 करेंगे तो 10 की डिटेल दे देगा। मुकम्मल तौर पर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। सेम इस तरह रिसेंट कमेंट में भी सेम मौजूद है, आप रीसेंट कमेंट का सब टाइटल भी अपना कुछ चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। एबीसी लिख दूंगा तो रीसेंट कमेंट पे एबीसी लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम लोग आर्काइव में जाते तो आर्काइव को भी रखना चाहें तो ठीक है वरना हम रिमूव कर सकते हैं। कैटेगरीज जो हमारी मौजूद है तो उसको भी रिमूव करने, क्योंकि कैटेगरीज हमारी मेन्यू पर तो चल रही है ना सारी की सारी, तो फिर यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, उसको रिमूव कर सकते हैं। सेम इसी तरह मेटा टैग्स भी मौजूद होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें यूज हो रही है। साइट का एडमिन पैनल भी मौजूद है, लॉग आउट है, एंटिटी फील्ड्स मौजूद है, कमेंट फील्ड मौजूद है, उनको भी ये भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए। मुकम्मल तौर पर हमारी साइट को ये देखिए साइड बार रिलीज हो चुका है। एड करना है तो यही एड विजेट्स मौजूद है, कुछ वर्डप्रेस के ऑलरेडी विजेट्स होते हैं हमारे पास, वो यहाँ से आ सकते हैं। ये आरएसएस मौजूद है,
वीडियोज ऐड करनी है तो ये हमारे पास कोई भी ऐड वीडियो कर सकते हो। लास्ट टाइम भी बताया था उस वक्त चले यूट्यूब नहीं चल रहा था, आज हम यूट्यूब से देख लेते हैं। तो चलें ये डांस ही लगा लेते हैं, ये मैंने कॉपी की। तो ये यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम द यूआरएल ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैंने ऐड कर दिया। तो ये साइड पर ये तो अपने बारे में इंफॉर्मेशन लगाकर यूट्यूब पर ऐड करके हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एडिटिंग करनी है दोबारा, मतलब उसका साइज वगैरह, लूप वगैरह, तो लूप मतलब बार बार चलती रहे, तो ऑटो स्लाइड शुरू हो खुद ब खुद चलना शुरू कर दें, वरना मैटर डेटा होगा उसमें प्ले पॉज का सारे ऑप्शन हमारे पास आए हुए। सेम इसी तरीके से और भी काफी सारे विजर्स हैं, जैसे सर्च का मौजूद है, आरएसएस हमारे पास होती है, पेजेस की इंफॉर्मेशन, नेविगेशन मेन्यू की हमारे पास इंफॉर्मेशन, यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ सकती है। सेम अब इधर से हम लोग होम पेज सेटिंग, खैर ये सेटिंग जिस वक्त हम लोग एलिमेंटर से काम शुरू करेंगे फिर हम लोग बनाएंगे, उस वक्त हम कोई पेज लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, पेज के फॉन्ट के स्टाइल वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह, मेन साइड बार का फॉन्ट का क्या करना है, एनेबल डिसेबल्स, ये सारी चीजें, ये जितनी ज्यादा हर एक थीम के अंदर डिफरेंट होंगी, जितनी ज्यादा थीम्स यूज करेंगे डिफरेंट सेटिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाँ, सब में एडिशनल सीएसएस जरूर मिलेगा जिसके जरिए से हम अपने स्टाइल शीट लगाकर यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को। स्टाइल शीट स्टाइल को चेंज करता है, लाइक मुझे मेन्यू ठीक नहीं लगता बट ये साइट का जो थीम है वो पूरी ठीक है, तो उसके लिहाज से मैं यहाँ पर स्टाइल शीट में चेंजिंग लाकर और मैं इस मेन्यू को बदल दूँ। इस तरीके से हमारी कस्टमाइजेशन होती है, जैसे कस्टमाइजेशन कम्प्लीट हो हम उसको पब्लिश कर देते हैं। इस तरीके से हमारी ये साइट पूरी की पूरी एक साइट बनकर जो कस्टमाइजेशन थी वो हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी आगे हमारे पास जैसे बुक्स का पोर्शन मौजूद है, उसमें हमारे पास मौजूद है। ओके भाई, एक्सेलेंट।